A solution contain 30 gram non-volatile solute exactly 90 gram water. Vapor pressure 2.8 kilopascal. Further 18 gram water is added. Then solution new vapor pressure become 2.9 kilopascal. Calculate the molar mass of solute vapor pressure of the water as 298 Kelvin. अब देखो मोलर मास इक्वल टू एम ग्राम मोल इक्वल टू 30 डिवाइडेड बाय एम सॉल्वेंट इक्वल टू 90 बाय 18 इक्वल टू 5 मोल PO minus PS divided by PO equal to N2 by N1 minus N1 plus N2. अब 30 by W है, 5 plus 30 by W है, 5 mole given and 30 by M is there, so 30 by M and PS is given 2.8. So, ये होगा 1 minus 2.8 divided by PO equal to 30 by M divided by 5 plus 30 by M. यह से आएगा PO by 2.8 equal to 1 plus 6 by M. ऐसे ही वो नेक्स्ट वाला सॉल्यूशन जब 18 ग्राम हम एक्स्ट्रा ऐड कर रहे हैं तो उसमें से वाटर का ये होगा बाय एम. अब वो जब हम 6 ऐड कर रहे हैं तो उसके लिए ऐसे ही इक्वेशन आएगा पीओ बाय 2.9 इक्वल टू 1 प्लस 5 बाय एम. वहाँ पर वाटर का मोल होगा 18 ग्राम ऐड करके 90 प्लस 18 बाय 18 दैट इज इक्वल टू 6 मोल. ठीक है, तो अब टू इक्वेशंस आएगा 2.9 डिवाइडेड बाय 2.8 इज इक्वल टू 1 प्लस 6 बाय एम डिवाइडेड बाय 1 प्लस 5 बाय एम. सो यहाँ से एम इक्वल टू आएगा 23 ग्राम पर मोल. सो यहाँ से हम 23 ग्राम पर मोल से निकलेंगे पी ओ इक्वल टू 29.23 इंटू 2.8, मतलब प्रेशर आएगा 3.53 किलो पास्कल. ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं. अ 5% केन शुगर इन वाटर हैज फ्रीजिंग पॉइंट 271. कैलकुलेट द फ्रीजिंग पॉइंट 5% ग्लूकोज इन वाटर इफ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर 273.15. ये है डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट का क्वेश्चन. अब देखो 342 ग्राम पर मोल है शुगर का मोलर वेट. अब मोलारिटी आएगा 5 × 1000 डिवाइडेड बाय 342 × 100, मतलब 0.140. डेल्टा टी एफ है यहाँ पर 273.15 माइनस 271 इक्वल टू 2.15. तो अब हम जानते हैं डेल्टा टी एफ इक्वल टू के एफ एम, मतलब एम है 0.146, तो के एफ होगा 2.15 डिवाइडेड बाय 0.146. अब अगले सॉल्यूशन के लिए डेल्टा टी एफ इक्वल टू के एफ एम. अब यहाँ पर एम निकालेगा 2.15 के एफ इक्वल टू 0.146, यहाँ पे एम होगा 0.278, मतलब ये आएगा 4.09.
अब TF आएगा TF 0 माइनस 4.09, TF 0 कितना है 273.15 माइनस 4.09, मतलब TF आएगा 269.06 केल्विन।